तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक नए शानदार वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाला है SBI के अकाउंट ओपन करते टाइम वीडियो KYC प्रॉब्लम के बारे में। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जब आप SBI में अकाउंट ओपन करते हैं योनो ऐप के माध्यम से, तो वहाँ पर आप अकाउंट तो मतलब जो फॉर्म फिल होता है वो तो आप कर लेते हैं, लेकिन जब वीडियो KYC की बात होती है तो वहाँ पर हमारी वीडियो KYC वो कंप्लीट नहीं हो पाती है, क्योंकि वहाँ पर जो इनके एजेंट है वो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि अगर आप वीडियो KYC करते हैं तो उसकी क्या ट्रिक है जिसके माध्यम से आपका जो यहाँ पर वीडियो KYC अकाउंट का वो आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो आप अकाउंट कैसे ओपन करेंगे, इसकी वीडियो KYC कैसे करेंगे, क्या पूछा जाता है, तो उसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको बताने वाला तो वीडियो KYC है वो कैसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जब आप अपना फॉर्म फिल कर देते हैं वीडियो KYC करते टाइम, वहाँ पर बहुत ही लंबी वेटिंग लिस्ट देखने को मिल जाती है। कई बार तो कॉल कनेक्ट होने के बाद में भी यहाँ पर हमारी कॉल वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो वापस हमें कॉल करने के लिए कम से कम यहाँ 15-20-30 यानी 40-50 मिनट तक भी वेट करना पड़ता है, जो कि यहाँ पर वेट नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आप अपना फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म तो आप फिल कर दीजिए, उसके बाद में वीडियो KYC के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स वो कंप्लीट है कि यहाँ पर पैन कार्ड ही मांगा जाता है, तो यहाँ पर अपना पैन कार्ड और व्हाइट पेपर और पेन साथ में रखिए। और साथ में वीडियो KYC कब करेंगे, देखिए यहाँ पर वीडियो KYC का टाइम है सुबह 8 से शाम के 8 बजे तक। तो देखिए, अब आपको क्या कर देना है, या तो आपको सुबह 8 से 9 के बीच में आपकी KYC है वो आप कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर 100% आपकी KYC है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो इनका ट्रैफिक होता है वीडियो KYC का वो सुबह काफी कम होता है। और उसके बाद में अगर नहीं होता है तो आप वहाँ से 2 से 4 बार ट्राई करेंगे तो आपकी वीडियो KYC वो सक्सेसफुल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। और साथ ही में अगर वहाँ नहीं होती तो आप दिन में भी ट्राई कर सकते हैं, सिर्फ आपको ट्राई करना है, यहाँ पर कम्प्लीटली इसके ऊपर नहीं बैठ जाना है। और साथ ही में आप शाम को भी ट्राई कर सकते हैं, जो कि 7 से 8 बजे के बीच में होता है, तो यहाँ पर आप 7 से 8 बजे के बीच में भी आप KYC का अपनी वीडियो KYC वो यहाँ पर इनिशिएट कर सकते हैं 7 से 8 के बीच में, तो वहाँ पर भी आपके हाई चांसेस है कि आपकी वीडियो KYC कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि दिन में काफी ज्यादा ट्रैफिक होता है जिसकी वजह से यहाँ पर आपका जो KYC है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। आपको पता है अगर 15 दिन के अंदर आप अपना KYC कंप्लीट नहीं करते हैं तो यहाँ पर जो आपका फॉर्म है ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिलीट कर दिया जाता है, उसके बाद में वापस आपको फॉर्म फिल करना होगा। तो दोस्तों, इतना करने के बाद में भी अगर आपकी वीडियो KYC कंप्लीट नहीं होती है तो अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको 15 दिन वेट करना है, यहाँ पर आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, उसके बाद में आप यहाँ पर नया फॉर्म फिल कर दीजिए। नया फॉर्म फिल करेंगे तो आप वीडियो KYC की जगह यहाँ पर जो ब्रांच है ब्रांच का ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, उसके माध्यम से जब आप कंप्लीट फॉर्म फिल कर देंगे तो आपको एक टोकन नंबर देखने को मिल जाएगा, उस टोकन नंबर को आप जो बैंक है आपके नजदीकी जो जिस ब्रांच में आपने ओपन किया उस ब्रांच पर आपको चला जाना है, आधार कार्ड पैन कार्ड आपको ओरिजिनल ले जाना है, 2 पासपोर्ट फोटो ले जाना है, वहां पर अगर आप अपना टोकन नंबर दिखाएंगे तो आपकी जो KYC है वहां से कंप्लीट कर दी जाएगी। सिर्फ आप इतना करने से भी आपका अकाउंट आप वो आसानी से ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस प्रकार आप ट्राई करेंगे तो आपकी वीडियो KYC यहां पर 100% कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए, इस वीडियो को ही खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।